जयपुर डिस्कॉम के एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आदेश में अगले आदेशों तक डिस्कॉम एरिया में मौजूद बिजली कनेक्शनों को काटने पर रोक लगा दी है। ज्यादा जरूरी होने पर संबंधित अधिकारी को कनेक्शन काटने के लिए डिस्कॉम एमडी या चेयरमैन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। जिस आदेश की हर तरफ चर्चाएं हैं और तारीफें हो रही हैं, डिस्कॉम कर्मचारियों का कहना है कि संभवतः यह पहली बार हुआ है जब डिस्कॉम ने घोषित रूप से इस तरह का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर डिस्कॉम के एरिया में 12 जिले आते हैं जहां डिस्कॉम बिजली का मैनेजमेंट करता है। इसमें जयपुर, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और टोंक जिले का एरिया आता है। सूत्रों की माने तो वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में वोटर नाराज न हो इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे वोटर प्रभावित हो। सूत्रों का कहना है कि पिछले 10 जिलों से नेताओं ने फीडबैक लिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कनेक्शन काटने से जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि बकाया की वसूली करने और टारगेट पूरा करने के लिए मार्च में सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन काटते हैं, क्योंकि अधिकारियों को रेवेन्यू वसूली का लक्ष्य पूरा करना होता है। पूर्वी राजस्थान के एरिया में बिजली चोरी और बिल न जमा करवाने के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। इसे देखते हुए नेताओं ने फीडबैक दिया है कि वोटिंग से पहले कार्रवाई न की जाए तो बेहतर होगा। ऐसे में सरकार ने निर्देश जारी कर तमाम डिस्कॉम के अधिकारियों को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वोटरों को प्रभावित नहीं होने की बात कही है।